नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी, जिसका नाम आपने सुना होगा अक्सर। मोहम्मद गौरी, जिसका नाम मोहम्मद बिन साम भी था, उसके बारे में। तो मोहम्मद बिन साम, जिसका पूरा नाम था मुइज़ अल दीन मोहम्मद बिन साम, यानी कि वो उसके पिता का नाम था साम। तो अगर हम इसके पिता के बारे में बात करते हैं तो इसके पिता का नाम था बहा अल दीन साम, और ये सुन्नी इस्लाम का फॉलोअर था। और ये स्टार्टिंग इन्वेडर्स यानी शुरुआत में जो मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ उनमें से शुरुआती राजा थे, जिसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। स्लेव डायनेस्टी जो कि स्थापित होती है 1193 से लेके 1206 के बीच में इसका शासन रहता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका स्लेव था, मोहम्मद बिन साम और मोहम्मद गौरी, जिसे बोलते हैं गौर, एक जगह है वहाँ से यह आया था। गौर से यह आता है लाहौर होते हुए, और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स पड़ते हैं मुल्तान होते हुए, उनको जीतता हुआ ये सबसे पहले आक्रमण करता है। जो चालुक्य वंश के शासक थे मूला राजा सेकंड 1178 में, लेकिन इसको हार का सामना करना पड़ता है बैटल ऑफ कायदारा में। बैटल ऑफ कायदारा होती है, उसमें इसको हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही समझदार रूलर था, ये वापस जाता है गौर और फिर से दोबारा से अटैक करता है 1191 में बैटल ऑफ तराइन में, जिसमें इसकी लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से। अब हम तराइन की बात करते हैं। तराइन जो है वो हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और ये पंजाब होते हुए बैटल ऑफ तराइन में फ़ाइट होती है, लेकिन ये हार जाता है और फिर वापस चला जाता है। उसके बाद ये फिर सेकंड टाइम 1192 यानी 1192 में आता है, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में ये जीत जाता है। वो जीता ऐसे है कि जो हिंदू राजा थे या जो इंडियन रूलर्स थे, वो दिन में वार करते थे, दिन में वो लड़ाई करते थे, और शाम होते ही वो फाइट बंद कर देते थे। लेकिन ये क्या करता है, रात को हमला कर देता है, और उसके बाद फाइट चलती है, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है हिंदुस्तान के अंदर, जिसको बोलते हैं हम स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका स्लेव था वो करता है। अब जैसा कि आप ये कॉइन देख पा रहे हैं, ये सिल्वर का कॉइन है, कन्नौज टाइप का। इसमें एक तरफ गॉडेस लक्ष्मी का पिक्चर है और दूसरी तरफ श्री महामद साम हिंदी देवनागरी में लिखा है। तो ये शुरुआती कॉइन्स थे जो मोहम्मद गौरी उर्फ मोहम्मद बिन साम के नाम से जारी किए गए। दूसरा कॉइन देखिए हिंदी का है, हॉर्समैन बुल टाइप, जो आपने थोड़ी देर पहले देखा। ये कॉपर का कॉइन था, बिलन जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर भी मोहम्मद साम लिखा है। इसका नाम जो सिक्के पर आता है मोहम्मद साम के नाम से आता है, और इसने ये लक्ष्मी एक तरफ और महमद साम के नाम से सिक्के इसने जारी किए। सिक्के की कीमत जो होती है, गोल्ड वाले की कीमत है 7 से 8 हज़ार, और ये कॉपर वाले कॉइन की कीमत है 100 से 200 रुपये। एक तरफ हॉर्समैन है, दूसरी तरफ बुल, बाकी ये आप लक्ष्मी एक तरफ और श्री महमद साम वाला कॉइन देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर हमें बताइए, और क्या आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से वीडियो बनाएं, क्योंकि अब हम दिल्ली सल्तनत पे एक पूरी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पूरी डिटेल राजाओं की और विद इन्फॉर्मेशन कॉइन्स के साथ जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।